नमस्कार दोस्तों, आवसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ। इसे बनाने के लिए हमें इवन नंबर में कोई भी फंदे चाहिए, यानी जो दो से कटते हों ऐसे कोई भी फंदे। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये हमारा पहला लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अगले फंदे को भी हम ऐसे नीट वाइज स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे और फिर इसी फंदे को रॉन्ग साइड से बैक लूप से एक और सीधा फंदा। तो हमने एक फंदे में दो फंदा बनाया। अब जो फंदा हमने स्लिप किया था इसे ऐसे उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट फंदा ऐसे नीट वाइज स्लिप करेंगे, अगले फंदे को एक बार सीधा बुनेंगे और फिर इसे बिना गिराए इसी फंदे में बैक लूप से एक और सीधा फंदा। तो हमने दो फंदे बना लिए, एक फंदे से दो फंदे बनाए। अब हमने जो फंदा स्लिप किया था उसे ऐसे उठाएंगे और इस फंदे को, इन दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे। नेक्स्ट फंदा नीट वाइज ऐसे स्लिप करेंगे, अगले फंदे को एक बार सीधा बुनेंगे और फिर बिना इसे गिराए इसी फंदे में बैक लूप से एक और सीधा फंदा। अब हमने एक फंदे से दो फंदा बना लिया, यानी एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया। तो अब जो फंदा हमने स्लिप किया था उसे ऐसे उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। अगला फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे में हम दो फंदा बनाएंगे, एक बार सीधा बुना और बैक लूप से ऐसे सिलाई घुमा के लाएंगे और इसी फंदे में ऐसे पीछे की तरफ से एक और सीधा फंदा बना लेंगे। अब इस तरह धागे को हम ऐसे पकड़े रहेंगे और जिस फंदे को हमने स्लिप किया था, ये इस फंदे को स्लिप किया था, इसे ऐसे उठाएंगे, धागे को ऐसे खींचे रहेंगे तो हमें इन फंदों को निकालने में आसानी हो जाएगी। अब दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे। अगला फंदा स्लिप करेंगे, दो ही फंदे का एक डिज़ाइन है, एक फंदा स्लिप किया, अगले फंदे से दो फंदा बना लिया, एक बार सामने से और एक बार पीछे से। उसके बाद स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे, धागे को ऐसे पकड़े रहेंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। स्लिप किया, अगले फंदे में दो फंदा बनाया, एक और बैक लूप से दो। स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे, धागे को पकड़े रहेंगे और फिर इन दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। तो इन्हीं दो फंदों को हमें बार बार दोहराना है। लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। रॉन्ग साइड में सभी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे। ये डिजाइन सिर्फ सामने की तरफ से बनेगा। तो रॉन्ग साइड में सभी फंदे उल्टे बुन लिए गए। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो हमें पहले लाइन को ही दोहराना है, पहला फंदा स्लिप कर लेना है, नेक्स्ट फंदा भी ऐसे नीट वाइज स्लिप करेंगे, अगले फंदे में दो फंदा बनाएंगे, एक सीधा सामने से और एक बैक लूप से, और स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे, इन दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे। अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे में हम दो फंदा बनाएंगे। अब
हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया है तो इसे उठाएंगे, स्लिप के हुए फंदे को उठाएंगे, इसके अंदर से दोनों फंदों को निकाल देंगे, हमारा एक फंदा कम हो गया और वापस जितने फंदे थे उतने ही हो गए। अगले फंदे को स्लिप किया, नेक्स्ट फंदे से दो फंदा बनाया, एक सामने से और एक बैक लूप से। स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके नीचे से अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, हमारा जितने फंदे थे वापस उतने ही फंदे हो गए। तो ऐसे ही करके हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में बार बार दोहराना है। दो ही फंदे का डिज़ाइन है और बनने पर ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे जेंट्स स्वेटर में डालिए, लेडीज स्वेटर में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, कैप में डालिए, स्कार्फ में डालिए, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे बॉर्डर की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लगा है, मैं थोड़ा बुन के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बन के तैयार है, दो ही फंदों का और एक ही लाइन का खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।